जय गुरुदेव दोस्तों। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ज्ञानवर्धक चीज़ ही लेकर के आया हूँ, और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि शायद ही लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि सब कुछ शरीर के अंदर है। तो मैं उसी पे एक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और देखिए, ये वीडियो आप पूरी देखना, स्किप मत करना। अगर स्किप किया तो ना तथ्य समझ में आएगा और ना ही जो मैंने उसमें आपको जो भी जानकारी दी है ना वही समझ में आएगी। पूरी तरीके से आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है, क्योंकि मेरा ना वीडियो के बीच में भी एक ऐसा निर्णय आ जाता है कि जो मैं लेता हूँ तो वो कई बार लोगों को पता नहीं लगता है। जो शुरुआत में देख ली, लास्ट में नहीं देखा, बीच में छोड़ दिया, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। और जो चैनल पर नए लोग हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, वो जो चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को भी देख रहे हैं और अच्छा खासा पसंद भी कर रहे हैं, मेरी उनसे भी विनती है कि वो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। तो देखिए, अब मैं आपके सामने वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा एक क्वेश्चन होता है, सभी के माइंड में होता है, ज्यादातर होता है, कि भाई मैं तो हनुमान जी को मानता हूं। भाई हनुमान जी को मानता हूं तो हनुमान जी बहुत बड़े शक्तिशाली और बहुत ही प्रचंड प्रकट देव हैं। कोई माता बगलामुखी को मानता है, कोई माता धूमावती को मानता है, कोई भैरव बाबा को पूजा करता है, कोई शिव की आराधना करता है, कोई किसी की करता है, कोई किसी की करता है। लेकिन हर किसी के मन में एक ही यही होता है कि नहीं, जिसकी मैं करता हूँ बस वही सबसे शक्तिशाली है, वही देव सबसे शक्तिशाली है और उन्हीं का चमत्कार सबसे ज्यादा है। ये सभी के माइंड में होता है। ये एक अहंकार रूपी बीज है कि जो इस बात को नहीं समझ पाता है कि भाई सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे बड़ा चमत्कारी देव कौन है। कोई कहता है कि भाई भैरव बाबा की साधना करो फिर देखो क्या होता है, कोई कहता है हनुमान जी की साधना करो, कोई कहता है महाविद्या की साधना करो फिर देखो क्या होता है। अब मैं आज आपको ना इसी विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा देवता कौन है और क्या है। इस बारे में मैं आपको पूरे तथ्य के साथ मैं बता रहा हूं, पूरी एक स्टोरी दूंगा। देखो, एक समय की बात है कि एक राजा थे और वो एक सन्यासी के पास गए। तो राजा ने प्रश्न उनसे किया कि सन्यासी जी, आपने अनेक देवी देवताओं का वर्णन किया है और उनकी शक्ति और महात्म का भी, जो मतलब उनका चमत्कार आपने बताया है, किंतु मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि इनमें सबसे बड़ा देवता कौन है। अब क्या होता है, सन्यासी जी को जो है मतलब कुछ राजा की बुद्धि विवेक पर बहुत तरस खा रहे थे। वो सोचने लगे कि इसे ना किसी स्थूल उदाहरण की जरूरत है, स्थूल उदाहरण, क्योंकि बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है कि वो उसको समझ पाए। इसलिए ये कोई बौद्धिक रूप से जो है मतलब कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए इसको एक ऐसी ऐसी जो कहते हैं ना अनुभव, उसकी जरूरत है इसको, ये वहीं से समझेगा। तो पास में ही एक सालग्राम जी की एक बट्टी पड़ी हुई थी, जो बटिया गोल सा पत्थर होता है, उठा के उन्हें पकड़ा दी सन्यासी जी ने, और राजा ने उसको जो है हाथ में ले लिया। तो सन्यासी बोले कि ये सबसे बड़े देवता हैं और इनकी आप पूजा करो और फिर देखो फिर चमत्कार क्या होता है। अब राजा तो आश्चर्य से देखने लगे। तो राजन जो है बोले कि अब मुझे पूजा पूजा करने में ना सुविधा हो जाएगी, अब मैं इन्हीं की पूजा करूंगा
और निश्चय ही मुझसे ये प्रसन्न होकर के मुझे लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन अब होता क्या है कि वो घर पे ले गए उस सालग्राम की बटिया को, और ले जा करके राजमहल में जो है छोटा सा एक मंदिर उन्होंने बहुत सुंदर सा मंदिर बनवाया और वहाँ पर जो उनकी स्थापना कर दी, और स्थापना करके नियम पूर्वक निष्ठा से पूजा पाठ करने लगे। और जब वो काफ़ी उन्होंने पूजा पाठ की, नियमित रूप से करते थे, और कहने का मतलब ये है कि ऊपर की जो दृष्टि थी ना उससे पूजा का पूरा आडंबर अच्छा था और उन्हें जो है कोई लाभ नहीं हुआ उस चीज़ से। अब एक दिन क्या होता है, अब लाभ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक पूजा का स्वांग था ना पूरा कि भाई ये सबसे बड़े देवता हैं और बस इनको ही मानना है और ये और वो, मतलब एक स्वांग कर दिया उन्होंने। तो अब संयोग से संयोग क्या होता है कि एक दिन क्या हुआ कि एक चूहा आया और उस बटिया के ऊपर जो प्रसाद उन्होंने चढ़ा रखा था ना उसको जो है खा गया। अब राजा ने वो देखा, राजा देख रहा था बैठा हुआ कि भाई चूहा आया है और उसने जो है जो प्रसाद रखा था वो प्रसाद उसने खा लिया। तो उसका जो है विश्वास जो था, आत्मविश्वास उसका डगमगा गया कि भाई एक चीज़ है, चूहे और देवता के ऊपर सवार है, ये तो देवता के ऊपर बैठा है, ये तो मैंने बड़ी बड़ी बहुत बड़ी गलती कर दी। वास्तव में तो इस पत्थर से ज़्यादा शक्तिशाली तो ये चूहा है। अब क्या होता है, क्योंकि भाई चूहा उसके ऊपर बैठा हुआ तो शक्तिशाली तो है ही। अब क्या होता है कि चूहा जो है अब उसकी पूजा होनी स्टार्ट हो गई है। चूहे को जो एक बड़ा सा पिंजरा मंगाया गया, उस चूहे को पिंजरे में डाला गया और वहाँ पर जो है अब उसकी स्थापना कर दी गई कि भाई अब पूजा होगी तो चूहे की होगी। अब मूसक राज की पूजा होने लगी कि भाई सोचा कि इससे अधिक लाभ होगा मुझे। अब एक दिन क्या था कि जब पूजा में जो कहते हैं ना कि व्यवधान उपस्थित होता है तो उससे क्या होता है, एक बिल्ली आई और बिल्ली ने जो झपटा मारा चूहे के ऊपर। अब झपटा मारा तो चूहा डर के एकदम पिंजरे के एक साइड में अंदर घुस बैठ गया चुपचाप दुबक के। राजा ने कहा भाई ये तो चूहे से भी शक्तिशाली तो ये बिल्ली है, यही सबसे बड़ा देवता है। अब क्या था कि बिल्ली की पूजा होनी स्टार्ट हो गई। अब जब बिल्ली की पूजा होनी स्टार्ट हो गई तो उसकी नित्य पूजा होती। अब बिल्ली जो है कहीं भी, अब क्यों जाएगी बिल्ली बाहर, भाई बिल्ली को तो खाने पीने के लिए वहीं पे सब कुछ अच्छा मिल रहा था, राजमहल था, आनंद हो गया उसको तो, ठाट आ गए उसके तो। अब एक दिन एक और दुर्घटना घटती है कि राजा का जो चिंतन था ना उसने फिर दिशा बदल दी है। एक कुत्ता था, अब कुत्ता जो है वो झपट के बिल्ली के ऊपर आया और बिल्ली वहां से भाग गई, फिर वो वापस ही नहीं आई। तो राजा का दिमाग तो कौंध गया, अरे भाई बिल्ली से शक्तिशाली तो एक कुत्ता है, जो जो है मतलब तो मुझे कुत्ते की पूजा करनी चाहिए। अब क्या होता है, अब कुत्ते की पूजा स्टार्ट हो गई। अब तो कुत्ते के दिन तो फिर गए भाई, कुत्ते को बढ़िया बढ़िया भोजन मिलने लगा, साज श्रृंगार आराम सुख चैन मतलब सब कुछ उसको मिलने लगा और उसे देवताओं की तरफ बड़ा सम्मान किया गया उसका। अब एक दिन क्या होता है, कहते हैं ना कि प्रभु को करनी तो ऐसी ही होती है ना। एक दिन कुत्ते को बहुत भूख लगी थी और उसने जो है मतलब किसी भूल से जो है खाना नहीं खाया था टाइम पे, तो उसके आसपास कुछ खाने को नहीं था, तो वो आदत से तो विवश होता है ना कुत्ता, तो वो जो है सीधा जो झूठन पड़ी हुई थी वो झूठन को चाटने लगा। और अब जब झूठन को चाटने लगा ना रसोई में जाकर के, तो जो उनकी रानी थी, अब रानी कुछ उग्र स्वभाव की थी, रानी को आया गुस्सा और उसने कुत्ते को ऐसी लकड़ी मारी कि वो कुत्ता कू कू करता हुआ भागता गया बाहर। अब वो भी भाग गया। राजा ने कहा भाई ये तो मुझे ही नहीं पता था, मेरे घर में ही सबसे शक्तिशाली है देवता,
ये तो सबसे शक्तिशाली तो हमारी पत्नी है, मुझे तो आज तक अनुभव नहीं था। तो बस फिर क्या था, अब तो रानी की पूजा होने लगी भाई। राजा उसको जो है इतना सम्मान देता, पूजा प्रारंभ कर दी उसकी। अब जब पूरा पूजा आरती सब कुछ करनी स्टार्ट करती, तो अब रानी को क्या था भाई, औरत का स्वभाव है। अब रानी तो जो है इतराने लगी फिर भाई, उसे अपनी शक्ति पे एक तरीके से घमंड हो गया कि तू जो तो बहुत शक्ति है, तो राजा के राजा तो तेरा गुलाम हो गया। तो अब वो आज्ञा का पालन ना करके ना इधर उधर की बात करने लगती, बात बात पर झगड़ा करने लगती। अब राजा को सहन करते हुए ना बहुत दिन हो गए। जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन राजा को बहुत तेज गुस्सा आ गया। अब जब गुस्सा आ गया तो उसने क्रोध के आवेश में आके और 2-3 हंटर जो रानी को जमा दिए। अब जब रानी को 2-3 हंटर लगे तो रानी जो है एक तरीके से दुबक के ना कोने में बैठ गई, भयभीत होकर वहां बैठ करके रोने लगी। अब उसने देखा कि भाई ये तो 2 हंटर में बैठ करके रोने लगी, तो उसके मन में फिर परिवर्तन आया। उसने कहा कि यार सबसे बड़ा शक्तिशाली तो मैं हूं खुद, मुझसे बड़ा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं, मैं तो आज तक भूल में था। अब भाई जब उसके मुंह से अचानक इस तरह से निकला और वो समझा, तो वो अब तो वो खुद अपने को ही मानने लगा। उसने कहा कि भाई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अब वो होता क्या है कि एक दिन जो है राजा भी को भी बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो वो जो है राजा तो लेट गया भाई। अब बुखार कुछ दिन तक रहा उसे, तो राजा की तबीयत बिगड़ती गई। अब जब बिगड़ती गई तो कुछ टाइम बाद ना राजा का थोड़ा बुखार कम हुआ, तो उसके मुंह से अचानक ही उसके मुंह से निकल पड़ा, हे राम हे राम हे राम। अब तो राजा को अनुभव हुआ कि यार मैंने राम का नाम लिया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, मेरे होठों से राम राम का शब्द निकल रहा है, ये राम है कौन, जरूर यही मुझसे शक्तिशाली देवता है, राम ही संसार में शक्तिशाली है। अब तो क्या है कि अब तो राजा जो है सब कुछ छोड़कर जो राम की उपासना करने लगे, एकाग्रचित होकर के राम का ध्यान करें और बोलें कि हे राम आप प्रकाश स्वरूप हैं, आप मुझे प्रकाश दें, आप प्रकाशवान हैं मुझे वीर्य दें, आप बलवान हैं मुझे बल दें, आप ओजस्वी हैं मुझे ओजस्वी बनाएं, आप दुष्टों पर क्रोध करते हैं मैं भी वैसा ही करूं, आप में बहुत सहनशीलता है तो मुझे भी सहनशीलता बनाइए। और राम की उपासना करते करते अंत में ना राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि मैंने बहुत कुछ YouTube पर भी और भी लोगों से और इधर उधर भी सुना है, और मैं बहुत लोगों के पास गया भी हूं, कि मैंने जाकर के देखा कि अगर कोई शिव का भक्त है तो उसके बड़े अंदर इतना बड़ा अहंकार घुस जाता है, या कोई भैरव का भक्त है तो वो दिखाएगा कि समाज के बीच में बैठ करके कि वो दारू पी करके ओ ऐसे काला टीका लगाएगा और काले कपड़े पहन करके बालें जटाएं बढ़ा करके, और ये दिखाएंगे कि भाई हम कितने बड़े संत हैं या कितने बड़े मतलब हम जो है पुजारी हैं, कितने बड़े देव के पुजारी हैं, ये सब इस तरीके का ढोंगबाजी करेंगे। तो मेरे जो कहने का मतलब तात्पर्य समझो कि आप ना इधर उधर के चक्कर में आकर के लोग अपने इष्ट को जो है अपने इष्ट का भी निर्णय नहीं कर पाते हैं कि मेरे मतलब मैं किसको अपना इष्ट बनाऊं, इष्ट देव किसको बनाऊं। कई लोगों के सामने ये भी परेशानी होती है कि अब मैं किसको इष्ट बनाऊं, भाई उधर देखता हूं तो महाविद्या सबसे शक्तिशाली है, उधर देखता हूं तो भैरव जी सबसे शक्तिशाली है, और जिसकी भी साधना करने में सुनने में मिला उसको उसी में मिला कि ये बहुत ही बड़ी शक्तिशाली साधना है, इससे बड़ी कोई साधना ही नहीं है। तो भाई जब सभी शक्तिशाली हैं तो फिर महाशक्तिशाली कौन है। अब
यही प्रश्न उठता है। राम क्या ही ना कि दुनिया में राम से बड़ा नाम नहीं। भगवान शिव के अंदर भी हृदय में राम का नाम था, क्योंकि जब उन्होंने समुद्र मंथन के समय ना हलाहल विष पिया था, तो उन्होंने कंठ में क्यों रख लिया था? कंठ में उन्होंने इसीलिए रख लिया था कि उनके उन्होंने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, और उसकी वजह से ही उनको जो है उनका नाम नीलकंठ पड़ा, क्योंकि उनके हृदय में तो राम थे, राम समाये थे उनके हृदय में, वो राम के उपासक थे। तो फिर जब राम के उपासक थे तो उन्होंने नीचे इसलिए नहीं उतरने दिया कि नीचे राम थे तो कंठ कंठ में से जहर को नीचे कैसे जाने दें। तो भाई इसलिए मैं कहता हूं कि राम से बड़ा नाम कुछ नहीं है। अब रही बात उसकी कि राम कहाँ है, भाई राम सबके हृदय में है, सबके अंदर है, सिर्फ समझने और उनको जगाने की जरूरत है, अपने शरीर को साधने की जरूरत है। मेन पॉइंट वही है कि आप जितना शरीर आपका साधेगा, जितना आप जितना शरीर साधेंगे साधना उतनी ही प्रबल होगी। अगर जितनी आपके अंदर ऊर्जा आएगी उतनी ही आप जो शक्तिवान होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हनुमान जी के पुजारी हैं तो आप ही के अंदर सबसे ज्यादा शक्ति होगी, या फिर भैरव जी के पुजारी हैं तो उनके अंदर ही होगी, या फिर महाविद्या के पुजारी हैं तो उनके अंदर ही होगी। बात आती है कि उन्होंने कितनी पूजा की है, कितना उन्होंने मंत्र जाप किया है, कितना उनके अंदर ऊर्जा समाई है। अब जो जो उनके अंदर ऊर्जा समाई है उसी के हिसाब से उनके अंदर शक्ति होगी। तो इसके भ्रम में आप ना पड़े बिल्कुल भी। इष्ट आप किसी को भी माने, सब शक्तिशाली हैं, वही परमपिता परमेश्वर से ही सब हैं, जिसको कहा है राधा भगवान कृष्ण ने भी गीता में साफ कहा है, सबको पता है कि जिस रूप में तुम मुझे पूजोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा। अगर तुम मुझे देव के रूप में पूजोगे तो मैं देव के रूप में आऊंगा, तुम मुझे परमात्मा के रूप में पूजोगे मैं परमात्मा, और मुझे आप ना अगर किसी भी रूप में आप मुझे पूजोगे, एक भूत के रूप में पूजोगे तो मैं भूत बनकर के भी तुम्हारे सामने आऊंगा। यार मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा तथ्य है, लेकिन फिर उसके लिए मैं कोई दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा। यहां पे काफी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए क्योंकि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं इसलिए मैं ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाऊंगा। होता क्या है कि जो हमारे अंदर ऊर्जा होती है ना, जो मंत्र में शक्ति होती है, मान लिया आप महाविद्या का मंत्र जप रहे हैं, उस मंत्र जो शब्द होता है ना उसको जपने से उतनी ही तीव्रता के साथ तरंगे निकलती है, क्योंकि वो मंत्र ही उसी प्रकृति का है। जब वो मंत्र उसी प्रकृति का है तो उतनी ही ज्यादा ऊर्जा उससे हमें मिलेगी, उस देव से टकरा करके उतनी तेजी के साथ हमें ऊर्जा मिलेगी। सबसे ज्यादा जो तरंग शक्ति बताई गई है वो गायत्री मंत्र में बताई गई है, इससे ज्यादा किसी में भी तरंग शक्ति नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी माना है इस चीज को, आध्यात्मिक ने भी माना है इस चीज को कि मंत्रों में श्रोमणि गायत्री मंत्र है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं सरल साधना कीजिए और इधर उधर के भ्रम में मत पड़िए और अपने शरीर को साधिए, अपने साधने से सब कुछ सद जाएगा। ये एक छोटा सा मंत्र है, अगर आपने अपने आप को साध लिया तो सब कुछ सद जाएगा। अगर मैं ठीक हूं तो दुनिया ठीक है, क्यों? जब मैं खुद ठीक रहूंगा तो दूसरा भी तो कहेगा कि मैं खुद ठीक रहूंगा, तीसरा कहेगा कि भाई मैं भी खुद ठीक रहूंगा, तो पूरी दुनिया ही नहीं सुधर जाएगी, पूरी दुनिया ही ठीक हो जाएगी। तो फिर अपने आप को सुधारना है बस हमें। तो यही मेरा कहने का मतलब था। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा देवता कौन है, ठीक है। जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है, जिनको वीडियो में कुछ सच्चाई नजर आई है, वो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय।